हेलो गाइस, वेलकम टू फूड पॉइंट। माय नेम इज अमान और आज हम फिर से जा रहे हैं ढाबे को एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है सेना ढाबा। और ये ढाबा पनवेल में लोकेटेड है और मेरे साथ अहमद फकीरा, और हम मिल के जा रहे हैं ढाबे को एक्सप्लोर करने। तो गाइस, फाइनली हम सेना ढाबा पहुंच गए और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये है सरना ढाबा का एंट्रेंस पॉइंट, जहाँ पे इनका बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। एंड इवन मैं इनके लाइटिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। एज सून एज यू एंटर द गेट, आपके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ। अब जैसे एंटर करोगे तो आपको सबसे फर्स्ट इनका ये पार्ट दिखेगा, जो कि है इनका दस्तरखान एरिया। जैसे आप दस्तरखान से आगे आओगे, आपको दिखेगा इनका फर्स्ट क्लोज फैमिली डाइनिंग एरिया। आपको इनके ग्राउंड फ्लोर पे मोस्टली ऐसे ही वुडन डाइनिंग एरिया मिलेगी। इनके ढाबे का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है एंड दिस स्मॉल विंडो लैम्प is like an attention to detail। जैसे ही ये पार्ट से आप थोड़ा आगे जाओगे, राइट साइड में आपको दिखेगा इनका इंडोर एयर कंडीशन डाइनिंग एरिया। जब तक आप ये ढाबे पे जाओगे, आपको ये पार्ट अवेलेबल मिलेगा। जैसे ही आप इनके एयर कंडीशन पार्ट से आगे जाओगे, आपको दिखेगा इनका ये डाइनिंग पार्ट, जो कि इस ढाबे का सबसे बड़ा डाइनिंग एरिया था। आप टेबल्स देख के पता लगा सकते हो कि ये एरिया कितना बड़ा था। जैसे ही आप इनके ये पार्ट से निकल के राइट साइड देखोगे, तो आपको एक स्टेयर्स ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जो एरिया बंद था। पर फिर भी हम तो वहां जाके रहेंगे। अभी के लिए तो ये एरिया बंद था, पर आप जब तक वहाँ जाओगे, आपको ये एरिया ओपन मिलेगा। और इस एरिया से इनके पूरे ढाबे का बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। और यहाँ के ओनर अपने हर ढाबे पे लेडीज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए जो ये राइट साइड में आप एरिया देख रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर लेडीज। और आप जब वहां पे जाओगे, तो आपको ये ओपन एरियाज में भी बहुत सारे टेबल्स लगाए हुए दिखेंगे। और जैसे ही आप इस पार्ट से थोड़ा और आगे जाओगे, तो आपको दिखेगा इनका किचन। इनके किचन के पार्ट की भी लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी एंड द बेस्ट पार्ट इज दे कीप देयर किचन ओपन। एंड लास्टली, ये ढाबे के ओनर्स बच्चों का भी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए ये प्लेग्राउंड कैसे मिस कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के लिए खास इन्होंने बहुत बड़ा एरिया दिया है और यहाँ पे और बहुत सारे गेम्स आना बाकी है। आज ढाबे का ओपनिंग डे था, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्पेशल गेस्ट आए हुए थे एंड यहाँ पे रिबन कटिंग सेरेमनी भी हुई। एरिया के ढाबे का
ये ढाबे का एरिया लगभग जो है 2 एकड़ का है। मैं तो चाहता हूँ लोग आए, लोग इस लाइन में आए, एक मार्केट हो गए तो अच्छा होता है, कंपटीशन हो तो मजा है। कंपटीशन नहीं मजा आती है, जरूर है। आपके 3 ढाबे हो गए, उनके 6 ढाबे हो गए, मतलब खत्म कर देंगे, हो जाएगा। अभी 7वां भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस ढाबे में हलादिस दे और हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। और मैं तो हर जगह मौजूद हूँ, हमारे दोस्त मौजूद है, रशीद भाई बताइए भाई, तारिक भाई आप बताइए। हमको भी वही लगा जो ये दोनों को लगा है। और ये हमारे तमीज भाई माशाल्लाह। चलिए गाइस, ये था हमारा सरेंडर ढाबा का सफर, निकलते हमारे घर के लिए। हम बाय बोल देता, बाय बोल देता, बाय बाय गाइस।